एक फिल्म के दरमियान बहुत सी बातें, ए भाई भाई डोंट डू दिस अगेन, अब जाओ बाहर जाओ, अब बाहर जाओ, अब बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। जब कोई सवाल पूछ रहा है तो उनको पहले दिल से सवाल पूछने दो। हाँ जी सर, एक तो पहले सर, आते हैं भाई कंट्रोल उदय, उदय कंट्रोल से दैट कंट्रोल 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 तरीका है कंट्रोल। अरे अब हमको इसका फिजिक्स अच्छा लगा, उसको हम हमारी केमिस्ट्री अच्छा लगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री वहीं पे हो गया। अरे क्या बात है, क्या बात है, इरशाद इरशाद इरशाद। मैं क्या है कि मैं अपना कैरेक्टर में गलत सवाल करोगे तो एक्शन, सही सवाल करोगे तो कॉमेडी। एक जमाना था कि एक्शन, अभी एक्शन और कॉमेडी ये दोनों का बहुत कमाल का एक मिश्रण है। वेलकम बैक, अमेजिंग कॉम्बिनेशन, एक्शन कॉमेडी। अरे इसके लिए भी अब ये कहता है कि मैं एक्शन में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, कॉमेडी अच्छी लगती है, तो उसको दोनों मिला इस फिल्म में। अरे यार ये फिल्म देखना, तो ऐसी एक्शन है कहाँ कहाँ से कूद के, सीरियसली आउटस्टैंडिंग एक्शन है। अरे आउटस्टैंडिंग और क्लाइमैक्स में जो एक्शन है ये फिल्म के अंदर और जो इन्होंने एक्शन किया, अरे मतलब एक 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 सीन में ये हमें पकड़ने के लिए दौड़ता है पीछे, हाँफने लगा, हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए, कैमरामैन बता रहे नहीं फ्रेम में नहीं है, फ्रेम में नहीं है। इस वक्त तो कॉमेडी, क्योंकि वेलकम बैक रिलीज हो रही है, अभी रोमांस, जब जब रोमांटिक फिल्म करूँगा तो बोले मुझे रोमांटिक, तो बुढ़िया देख के जो पेशेंट देखे मैं बुढ़िया फांक के दे रहा हूँ। इस वक्त मुझे कॉमेडी पसंद है, ठीक है, मुझे रोमांटिक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सामने पैटर्न नहीं आप कर रहे हो ना, गोवा में आपने मेरे बिना फिल्म की हो, वो तो है लेकिन कभी कभार कभी कभार ये बहुत मज़ा आया। और मैं इतना ही कहूँगा कि हम तीनों ने फिल्म देखी है, हम तीनों को बहुत पसंद आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर नाना साहब से उन्होंने पहले ही कहा था, हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा यू नो प्रोफेशनल लोग हैं, और प्रोफेशन तो नाना साहब भी है, पर कहीं ना कहीं सॉरी नाना खुल के बोलो, खुल के बोलो, बुराई हम पीट पीछे करने वाले मुझे भी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलते। अगर इनको फिल्म पसंद है, प्रमोशन की बात है भैया, इनको ये इसलिए यहाँ है, हमारे साथ है, ये हमारा सौभाग्य है कि नाना साहब हमारे साथ हैं। और नहीं सही बात, सही बात नाना, क्योंकि ये ही बिलीव्स इन द फिल्म, और ये और इनको जेन्युइनली फिल्म, क्योंकि हम बोलेंगे ज़्यादा बोलेंगे कि हमें बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं हमने दूसरे फिल्मों के बारे में बोला है, और एक आध फिल्म शायद नहीं भी चली होगी, मगर नाना साहब का बोलना कि फिल्म ज़बरदस्त है, मतलब नहीं नहीं सच्ची बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छी मतलब मैं समझता हूँ कि अनवाइंड होने के लिए मुझे इस फिल्म की ज़रूरत थी, बहुत सीरियस किस्म के रोल करते रहे और उसके बाद थकान आ जाती है, फिर खुल के हंसने के लिए मुझे ये फिल्म की ज़रूरत है, और मैं बहुत खुश हुआ देखने के बाद। ये नहीं है कि जॉन के अनिल या मैं या नसीर, सब ने इतना परफेक्ट कुछ कॉम्बिनेशन हो गया, हो जाता है वो, करना भी चाहोगे तो कभी कभार होता नहीं है, लेकिन इतना बेहतरीन है और बहुत माउंट होती जाती है, और अनीस ने बहुत अच्छी तरह लिखी है, और दो चार राइटर थे बेहतरीन तरीके से वो बुनी हुई है, नहीं हम उसको बोलने ही नहीं देते। ओके अगर कंफर्टेबल हमारे बीच में दोनों के कंफर्टेबल है ना, बहुत फील ग्रेट, क्योंकि पहले तो लोग मुझे पूछते कि काफ़ी प्रेशर होगा आपके ऊपर, क्योंकि वेलकम बैक एक सीक्वल है, ऑन द कॉन्ट्री मैं बहुत ही रिलैक्स हूँ क्योंकि एक सीक्वल है, क्योंकि वेलकम बहुत ही बड़ी हिट थी, उसके ऊपर नाना सर, अनिल सर और नसीर सर, परेश सर, डिम्पल जी, श्रुति हसन, अंकिता, अनीज बाजमी डायरेक्टर, तो कबीर लाल कैमरामैन, नहीं यार एक्चुअली राइट, तो प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ही कम, बाकी बोल रहा हूँ, देखिए मैं देव साहब का बहुत बड़ा फैन था और अभी भी हूँ, तो देव साहब कभी कभी उनसे शरीफ, मेरे ख्याल से मैं ये दावे के साथ बहुत ही शरीफ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा शरीफ, उसके उनके बाद अनिल साहब, यानी वैसे भी लोग बोलते हैं कि 30 साल क्या सैटरडे संडे निकाल दो, हाँ सर इनके मतलब सैटरडे संडे निकाल दो तो 30 से ऊपर लगते ही नहीं है, देव साहब के बाद एक ही बंदा है बिल्कुल
हाँ तो मैंने वो अनीस को बोला था कि भाई मैं ऐसे इस किस्म की फिल्में मैं करता नहीं, मुझे रास नहीं आती, मुझे वाहियात लगती है, तो तुम अपने माँ की कसम लेके मुझे बताओ ये रोल मुझे करना चाहिए कि नहीं। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था अनीस के अब क्या बोलूँ, तो बाद में बोला हाँ माँ की कसम लगता है कि ये रोल आपको करना चाहता हूँ, तो मैंने कर लिया। तो मैंने पूछा तक नहीं कि ये रोल क्या है, तुझे लगता है कि अब मुझे मैं करूँ। मैंने जिस तरह की फिल्में के मेरी जो ज़िंदगी में मैंने मेरी पूंजी है जितनी कोई इज्जत कमाई वो तो धूल में नहीं ना जाएगी, मिट्टी में नहीं ना जाएगी, तो उसने कहा नहीं जाएगी। इसलिए मैंने पहले की और उसके ऊपर मुझे बड़ा सुकून मिला कि मैं ये कर सकता हूँ। और दूसरे में तो मैंने पूछा भी नहीं, तो मुझे मालूम था कि वो बेहतरीन ही कुछ करेगा। बाद में उसने जब डायरेक्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे किरदार बहुत अच्छी तरह से बुने, उसमें ये जो बंदा आता है वो, हालांकि एक बहुत सरप्राइज है मेरे कितने रोल है मैं नहीं बताऊंगा। नहीं आई थिंक वैसे ही था, बहुत ही कंफर्टेबल। एक इंटरमिशन का सीन था जहाँ पे इट वॉज वेरी हॉट, कमालिस्तान में शूट कर रहे थे हम, तो हॉट इन द सेंस गर्मी बहुत गर्मी बहुत थी भाग तो जाने से पसीने से दर बदर है। और अनिल कहता उठी है भाई उठी है उठी है उठी है, मतलब उठी है ये समझ के शूटिंग करते रहो, भाग तो सकते नहीं है, पोसने के बजाय खुश रहो। और किसी को अगर स्विट्जरलैंड पसंद है वो स्विट्जरलैंड बोल दे, और है मुंबई जहाँ गर्मी भी लगती है और पसीना भी तरता रहा। नहीं नहीं ये एक, एक मतलब जितने उनके बच्चे मिस कर रहे हैं उतने ही उनका, वो जो फादर फिगर थे हमारे लिए बेहतरीन इंसान थे, इतने बेहतरीन इंसान थे। नसीर भाई बहुत अच्छा काम किया है नसीर भाई ने, बट आई डोंट थिंक दैट एनीबडी कैन रिप्लेस फिरोज खान। आई लव कॉमेडी द मोस्ट, बट आई एम मोस्ट कंफर्टेबल इन एक्शन। मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है एंड आई थिंक इट्स द टफेस्ट जॉनर टू डू, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है, एंड आई थिंक इन वेलकम बैक वी हैव डन दैट। नहीं मेरे लिए तो सारे सीन्स काफ़ी डिफिकल्ट थे क्योंकि इस फिल्म में कॉमिक टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, एंड वर्किंग विद एक्टर्स लाइक नाना सर एंड अनिल सर एंड परेश सर, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो एक सीन जो था अपना ग्रेवयार्ड वाला अश्विन से, अच्छा अच्छी बात नाना सर। मुझे लगता है कि मैं जो स्वतंत्र मैंने पाया है उसके साथ मेरी जिम्मेदारी है मेरे देश की तरफ, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हर 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 कदम पर हमारी एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम, मतलब अगर वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो उनकी तरफ हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है वो लोग, या फिर परचक्र कोई आता है कोई कुछ शूट आउट होता है, हर कदम पर हमारी एक जिम्मेदारी है, उसे हम कैसे निभाते हैं। सिर्फ हम स्वतंत्र है 15 अगस्त है, बरस में एक बार हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, तो उसे वो कोई मायने नहीं रखता। जिससे आई अग्री बिकॉज एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन ऑफ 15th of August, वी मस्ट सेलिब्रेट एवरी डे लाइक इंडिपेंडेंस डे, जो हम उसे आज तक तो काफ़ी हमने मिसयूज भी किया है, स्टिल अ लॉट ऑफ करप्शन, बट आई हैव नेवर फेल्ट मोर प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं काफ़ी बता रहा था कि आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट as far as being an Indian is concerned, मैं ज़्यादा ही patriotic हूँ, very happy to be Indian. Yes. अनिल मैं जॉन से ज़्यादा patriotic नहीं सच्ची नहीं नहीं वो होना भी चाहिए, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। हम यहाँ से लेके हम यहाँ एक ऊँचे स्तर पर बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है हमारे समाज की तरफ, तो ये हमको करना ही है। नहीं तो हम अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, हमने इस स्वतंत्रता के लिए हमने कुछ दिया नहीं, हमारे बाप दादाओं ने दिया है और हमको उसकी कीमत मालूम है। जब हम पारतंत्र में जाएंगे तब पता चलेगा, पिताजी दो चाटे लगा के बोलते हैं ये नहीं करना, तब पता चलता है कि क्या होती है पारतंत्रता। तो हमको वो बहुत सीमित दायरे में मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हमको सभी को हमारी जिम्मेदारी एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते भारत का वो हमको समझनी चाहिए।
For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.